press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पल चैनल और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे, किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरीश अंबले से रखा शिंदे गुट का पक्ष, जाने सिंबल का जवाब। एकनाथ शिंदे और उदय ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना पर किसी का हक है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सुनवाई पूरी कर दी गई। शिवसेना के विवाद पर कल अब तक एक बार फिर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट में शिंदे पक्ष के वकील हरीश सांबले ने कहा कि आप एक बार फिर इस दतीलों के एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए और सुबह कोर्ट में पेशकश कीजिए। आइए जानते हैं आज की सुनवाई में किसने क्या कहा। शिंदे सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस दौरान चीफ जर्नल ने पूछा कि क्या सभी पक्षों के मामले एकजुट कानूनी सवालों का संकलन जमा करा दिया है। इस जवाब में राज्यपाल के वकील एडवोकेट जर्नल तुषार मेहता ने कहा कि मैं अभी जमा करवा रहा हूं। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिंबाल ने कहा कि अगर दो ताही विवाद अलग होने चाहिए तो उन्हें किसी के साथ विलय करना होना या नई पार्टी बनानी होगी। वह यह नहीं कह सकते कि वही मूल पार्टी है। CGI के बिलाप से सवाल में कहा कि मतलब आप यह कह रहे हैं कि उन्होंने BJP के विलय कर लेना चाहिए था, अलग पार्टी बनानी चाहिए थी। सिंबाल ने कहा कि कानूनन तो शिंदे गुट को यही करना चाहिए था। बिलाप ने कहा कि पार्टी सिर्फ विधायकों के समूह से नहीं होता है, इन लोगों में पार्टी के बैठक किया ने बुलाया था, वह नहीं आए। डिप्टी स्ट्रिप के चिट्ठी दी गई, अपना विलय नियुक्त कर दिया। असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, वह मूल पार्टी होने के बाद नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब अधिक संविधान में 10वीं अनुसूचित को छोड़ा गया तो उसका कुछ उद्देश्य था। अगर इस तरह से दुरुपयोग में अनुमति दी गई तो विधायकों के बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पता कर सकते हैं और पार्टी पर भी दावा करेगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।